चलो दोस्तों, आज देखते हैं पावर में लिस्टिंग कैसे करते हैं। या तो हम हमारे होम पेज के ऊपर ये लिस्टिंग होती है यहाँ क्लिक करते हैं, या फिर हम लेफ्ट में ब्लू बार में मार्केट प्लेस में चलते हैं, इसको क्लिक करते हैं। अलग अलग ऑप्शन हैं यहाँ पे, तो हम चलते हैं आई एम सेलिंग और क्रिएट न्यू लिस्टिंग। अब हमने अपना जो प्रोडक्ट लिस्ट करना है उसके लिए प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। कोई भी प्रोडक्ट हमने जब लिस्टिंग करना होता है उसकी हम एम्पावर के अंदर हमें इमेज उस प्रोडक्ट की क्लियर अच्छी इमेज हो जो आपके बायर को कस्टमर को देखते हुए उसकी नज़र में पहले वो अट्रैक्शन बने। तो इसके लिए हमें चार इमेज चाहिए, मैक्सिमम आप चार इमेज अपलोड कर सकते हैं। और हर इमेज की जो भी आप प्रोडक्ट लोड करते हैं अपलोड करते हैं उसकी जो इमेज है वो 506x506 पिक्सल की मिनिमम होनी चाहिए। इससे कम होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, उसको आपको पेंट या अडोब सॉफ्ट में जाके रिसाइज कीजिए। और मान लो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लोड कर रहे हैं, अब ये प्रोडक्ट है, उसकी आपके पास पीसीपी फोटो होती है, आप उसको सिलेक्ट करो, अपलोड कर लो। उसके बाद में हमें जो प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे हैं उसकी पूरी स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन हमें देनी होती है। सबसे पहले हेडिंग देते हैं कि हमारे प्रोडक्ट है क्या, और जब हम प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं तो उसका जो फर्स्ट करेक्टर है हमेशा कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद में है बॉडी मीटर, बॉडी मीटर में हम उस प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन, सबसे पहले प्रोडक्ट ब्रांड क्या है, ठीक, और उसके बाद में क्वांटिटी वो ग्राम में है या एमएल में, तो उसकी क्वांटिटी डालते हैं जैसे 100 ग्राम की है। उसके बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी क्या है। अगर मान लो हम एक्सपायरी डाल देते हैं हर प्रोडक्ट, जो जितने हेल्थ प्रोडक्ट हैं हमने हेल्थ प्रोडक्ट लिया है तो मिनिमम ये 2 साल के लिए यूजेबल होता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग है उसके हिसाब से इसकी जो एक्सपायरी मार्च 2019 है। अगर हम एक्सपायरी डाल देते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद में हाइडलाइट्स है कि हमारा जो पैक है उसकी क्वांटिटी, उसके अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है, 1 है। उसके बाद में उसका फ्रेगरेंस ऑरेंज एंड तुलसी है, किसके लिए है, मेन या वुमेन, डिस्क्रिप्शन में वुमेन्स के लिए है। ब्रांड, जो ब्रांड होता है उसको हमने सबसे ऊपर डालना चाहिए। यहाँ पे डाल देते, ब्रांड क्या है, श्री श्री आयुर्वेदा, मॉडल नेम श्री श्री आयुर्वेदा ऑरेंज एंड तुलसी सॉप, जो ऑलरेडी हमने हेडिंग में भी दिया है। जब तक आप बॉडी मैटर पूरा प्रोडक्ट का नहीं डालोगे, उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन स्पेसिफिकेशन उसको पूरा हाईलाइट नहीं करोगे, तो जब एम्पावर में आप कोई भी क्वालिटी प्रोडक्ट आपका लिस्टिंग करते हैं तो उसमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, नहीं तो आपकी जो लिस्टिंग है वो मार्केट में नहीं आएगी और वो रिजेक्ट कर दी जाएगी। अगर लिस्टिंग रिजेक्ट भी कर दी जाती है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपनी गलती को सुधारें, उसमें जो कमियां रह गई है उनके ऊपर दूर करें। और यहाँ सबसे ऊपर मॉडरेटर नोट लिखा होता है, इसके अंदर इनकरेक्ट कैटेगरी है या आप क्या बेच रहे हैं, क्या मार्केट में सेल करना चाहते हैं और उसका है क्या, वो पूरा हाईलाइट कीजिए। जब हमने ये चीज़ें कंप्लीट कर दी उसके बाद हम करते हैं सेल। उसके बाद में आता है कैटेगरी, अगर आपने प्रोडक्ट को राइट कैटेगरी में डाला है तो आपके बायर को, आपके कस्टमर को मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। जिसको हेल्थ और ब्यूटी का, अब हमने शॉप ली है, हेल्थ और ब्यूटी का प्रोडक्ट है तो हम इसको हेल्थ और ब्यूटी में डालेंगे। दूसरा ये है कि अगर आप इनकरेक्ट कैटेगरी में लिस्टिंग करते हैं तो वैसे भी आपका प्रोडक्ट है रिजेक्ट हो जाएगा। तो फिर भी जब अगर आप इनकरेक्ट कैटेगरी में डाल दिया, बाकी आपकी डिस्क्रिप्शन है, स्पेसिफिकेशन है, सब बिल्कुल एक्यूरेट हैं, सही है, लेकिन इनकरेक्ट कैटेगरी की वजह से आपका प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, तो भी आप उसको रीलिस्टिंग की दी, उसको एडिट कीजिए और उसको करेक्ट
कैटेगरी में डाल के उसको मार्केट में दोबारा उतारिए। उसके बाद में आती है सेटिंग्स, हम करना क्या चाहते हैं मार्केट में। यहाँ हमारे पास कई ऑप्शन होती हैं, सबसे पहले हैं सेल, उसके बाद में शेयर, दूसरा है बोथ। बोथ में आ जाते हैं कि हम मार्केट में जो प्रोडक्ट उतार रहे हैं वो हम ही बेचना चाहते हैं या उसको कोई दूसरा भी स्पॉन्सर करके बेच सकता है। प्रोडक्ट हमें बेचना पड़ेगा तो अगर उसके हिसाब से हम, लेकिन हम उसमें होता है शेयर में हो रहा है, या हम दोनों चीज़ में डाल देते हैं, ऑप्शन में फिक्स में भी और शेयर में भी, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे आज सेल की। सबसे पहले तो सबसे पहले आता है ऑप्शन। ऑप्शन में होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट जब मार्केट में रखते हैं तो उसकी रिजर्व प्राइस, एक्चुअल प्राइस आप क्या चाहते हैं उस प्रोडक्ट से, कितना मार्जिन प्रॉफिट उसकी जो है उससे, वो टोटल आप मार्केट में उस प्रोडक्ट की आपकी एक्चुअल कीमत या जो प्राइस वैल्यू है वो क्या चाहते हैं, वो हम यहाँ पे रखते हैं। ऑप्शन का मतलब बोली होता है, वहाँ पे अलग अलग हर तरह के कस्टमर आते हैं, आपका मार्केट में प्रोडक्ट रखता है और वो उसके ऊपर बोली लगाते हैं। जो सबसे बड़ा हाई बिडर होता है वो आपकी रिजर्व प्राइस लगा देता है और उसको क्रॉस कर जाता है तो वो हाई बिडर वो बिड को विन कर लेता है और वो प्रोडक्ट उसका हो जाता है। अब आपको मार्केट में वो आपका प्रोडक्ट बिक जाता है और आपको उसे प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। दूसरा है फिक्स प्राइस। जब हम मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, आप चाहते हो भी हमें किसी झंझट में नहीं है, हमने तो प्रोडक्ट बेचने हैं, तो आप क्या करते हैं, आप फिक्स प्राइस में आप अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस डालेंगे और बाकी इसके अंदर लग के, मान लो हमारा मेरा प्रोडक्ट ये $33 का है, ठीक, बाकी ये जो कमीशन 5.82 जो एक्स्ट्रा जुड़ा है ये एम्पावर का कमीशन है। हम कहीं भी मार्केट में कहीं भी प्रोडक्ट बेचते हैं, आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पर जाओगे तो ऑनलाइन वेबसाइट पर जब आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे, तो वो वेबसाइट आपसे अपना कमीशन ज़रूर लेगी और वो ही यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। आपका तो आपको ये 33 मिलेगा, लेकिन जो बायर होगा उसको 38.82 पे करना पड़ेगा। उसके बाद में वन टाइम परचेज, कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में वन टाइम ही रखना चाहते हैं या चाहते हैं कि मार्केट में आपके पास फुल स्टॉक है और बार बार बिकता रहे। अभी हम सोचते हैं कि हमारे पास थोड़े ही प्रोडक्ट हैं तो इसलिए हम इसको सेव वन टाइम पे ही रखते हैं और हम इसको फिक्स प्राइस में डाल रहे हैं। दूसरा, उसके बाद में क्वांटिटी, आपके पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है मार्केट में उतार रहे हैं। मान लेते हैं हमारे पास 10 प्रोडक्ट है। अब जब 10 कस्टमर आएंगे और वो आपके प्रोडक्ट को बाई करेंगे, जब 10 बार आपका प्रोडक्ट मार्केट में बिक गया तो उसके बाद में ऑटोमेटिक इसको कोई बाई नहीं, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। उसके बाद में शिपिंग है, शिपिंग होती है आपकी एरिया के मुताबिक। हम यहाँ पे शिप टू वर्ल्ड वाइज कहाँ करना चाहते हैं, पूरे देश में, किस देश में वर्ल्ड वाइज भेजना चाहते हैं, या स्पेसिफिक हम कंट्री लेते हैं, जैसे हम इंडिया में ही भेजना चाहते हैं तो हम यहाँ इंडिया पे क्लिक करेंगे और इंडिया में एवरीवेयर। उसके बाद में होता है जो कोरियर चार्ज, या आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हैं या किसी भी प्राइवेट कोरियर के द्वारा भेजते हैं, तो आपके जो कोरियर चार्जिंग होती है वो वेट के हिसाब से लगती है, जिसमें आपका प्रोडक्ट लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट कौन सा है। अब हमारे पास एक सोप है, हेल्थ का प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट लाइट वेट है और इसके अगर हम इंडिया में शिप कर रहे हैं तो लगभग ये कहीं भी आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट देखोगे तो $1 और $2 के बीच में इसकी शिपिंग चार्जिंग पड़ेगी। इसके बाद में हमारी सेटिंग्स हो गई, हम फिक्स प्राइस में मार्केट में अपने प्रोडक्ट 10 प्रोडक्ट उतार रहे हैं, हम इसको सेव कर देते हैं। नंबर एक। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैंने, आपका मन बदल जाता है कि मैंने फिक्स प्राइस में नहीं, मैं तो इसको ऑक्शन पे डालूंगा। कभी आपने देखा होगा अनाज मंडी है, ग्रेन मार्केट में जाते हैं, वहाँ पे लोग अपने अपनी कोई भी जो प्रोडक्ट हैं किसी भी टाइप के, और वो वहाँ ले आते हैं, फार्मर्स आते हैं अपना अनाज ग्रेन वगैरह लेके, वहाँ पे बोली लगती है, और जो सबसे ज़्यादा बोली प्रोडक्ट पे लगाता है वहाँ, जो भी मार्केट ग्रेन मार्केट में प्रोडक्ट है, चाहे वो वेजिटेबल है चाहे ग्रेन है, तो जो सबसे ज़्यादा बोली लगाता है ऑक्शन पे होता है और वो ही उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है। और जब प्रोडक्ट का मालिक देखता है कि हाँ मेरा प्रॉफिट सही है, उसको लगता है, तो वो बेच देता है, लेकिन वो अपनी एक्चुअल प्राइस मार्केट में रखता है।
अब सबसे पहले कि आप मार्केट में प्रोडक्ट अपना उतार रहे हो कितने दिन के लिए, एक दिन के लिए, 3 दिन के लिए, कितने दिन के लिए आप मार्केट में उसको रखना चाहते हैं ताकि आपको अपना हाईएस्ट प्राइस मिले। मान लो हम जो प्रोडक्ट भी लेके हैं इसको हम 10 दिन के लिए डाल दें या हम एक दिन के लिए ही उतारते हैं, उसके में मिनिमम स्टार्टिंग बिड 1 से है। आप इसको बढ़ा के आपके प्रोडक्ट के मुताबिक कितने भी कर सकते हैं लेकिन $1 से कम नहीं कर सकते। दूसरा रिजर्व प्राइस, ये ऑप्शनल होता है लेकिन हमें हमेशा प्राइस डालनी चाहिए ताकि कभी भी डिस्प्यूट ना हो। कई बार हम भूल जाते हैं कि ये रिजर्व प्राइस नहीं डालते और उसके बाद में कोई भी आपका प्रोडक्ट देखता है और उसके ऊपर बिड बोली लगाता है, वो 10 सेंट की बोली लगा के उसको स्पॉन्सर नहीं करता है और अपने पास रख लेता है। अब प्रोडक्ट उसको उसने विन वो विनर है तो वो कहेगा आप भेजो, आप कहोगे कि ये हमारा प्रोडक्ट $33 का है, मैं इसको 10 सेंट में नहीं भेज सकता, आपके बीच में डिस्प्यूट खड़ा होगा। कभी भी आप कोशिश कीजिए कि कहीं भी आपके कोई डिस्प्यूट खड़े ना हो। इसलिए आप अपना जो भी प्रोडक्ट मार्केट में उतार रहे हैं उसकी हर चीज़ जितनी भी वैल्यू है हर चीज़ को मेंशन कीजिए। तो ये मेरा प्रोडक्ट कितने का है, $33 का। जब तक अब मैं बाउंड हूँ यहाँ पे, मैंने पहले मार्केट में कह दिया है कि मेरा प्रोडक्ट $33 का है, जब तक $33 तक बोली नहीं पहुँचेगी मेरे प्रोडक्ट की मैं किसी को नहीं दूंगा, तो डिस्प्यूट खड़ा होने की कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद में आप प्रोडक्ट को वन टाइम परचेज में डालते हो या आप चाहते हो कि मंथली मेरे प्रोडक्ट पे बार बार बोली लगे, एक बार बिकने के बाद में और फिर दोबारा मार्केट में उतर जाए। अगर आप बार बार बेचना चाहते हैं रिकरिंग तो आप मंथली कर देंगे। आप चाहते हैं कि आज ही मैंने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा है, आज ही मैं बोली है, अगर एक्चुअल प्राइस मुझे मिलती है तो मैं बेच के निकल जाऊँगा। उसके बाद में आई बात शिपिंग की, तो आप शिप्स कहाँ करना चाहते हैं, वर्ल्ड वाइज करना चाहते हैं, तो आपको हरेक कंपनी, जिस भी कोरियर कंपनी से आप भेजना चाहते हैं, जिस कंट्री में भेजना चाहते हैं, वहाँ की हर चार्जिंग पर ग्राम या पर किलोग्राम जो भी है उसके हिसाब से जो चार्जिंग लगती है आपको पता होना चाहिए और उसी हिसाब से यहाँ पे आप अपनी चार्जिंग। लेकिन मैं अब चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ इंडिया में ही कंट्री सेलेक्ट करता हूँ और यहीं और यहाँ कहीं भी भेजना चाहता हूँ, तो मैंने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो लाइट वेट है, मीडियम वेट है या हेवी वेट है, उसी हिसाब से हमारी कोरियर जो चार्जिंग लगती है, कोरियर वाले वहाँ पे जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो अपना वेट करता है और उसी हिसाब से हमारे से चार्जिंग लेता है। तो अब हमारा छोटा एक शॉप है, हेल्थ का प्रोडक्ट है और वो लाइट वेट है, तो इसलिए, और किसी भी आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाओगे $1 से $2 के बीच में वहाँ आपको ये वहाँ भी यही चार्जिंग मिलेंगे, आप किसी भी कोरियर से भेजोगे। तो आप इंडिया में अगर आप इस प्रोडक्ट को भेजना चाहते हैं 100 ग्राम का तो मिनिमम $2 आपकी चार्जिंग रीजनेबल है और इसमें वहाँ पे आपके कस्टमर के पास पहुँच जाएगा। फिर भी आप अपने जिस भी कोरियर से भेजना चाहते हैं प्रोडक्ट है, आप अपना पहले कोरियर वाले को के साथ बात कीजिए किससे आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट भेजना चाहते हैं अपने कस्टमर को, और कस्टमर को जल्दी से जल्दी आप भेजें, डिले मत कीजिए। आपको रेटिंग भी आपका कस्टमर उसी हिसाब से देगा, और अगर आप प्रोडक्ट भी मार्केट में दे देता है और आपको 5-स्टार रेटिंग नहीं मिलती, नेगेटिव रेटिंग मिल जाती है, तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। तो अब हमारी हमने सोच लिया सारी कुछ, हमारी जो डिस्क्रिप्शन या सेटिंग सब वो भी हमने डाल दी, हमने इसको प्रोडक्ट को सेव कर दिया। उसके बाद हम आगे कदम पर चलते हैं कंटिन्यूस। अब यहाँ पर कह रहे हैं प्लीज़ एंट्री वैलिड क्वान्टिटी। अब हमने प्रोडक्ट की यहाँ पे क्वांटिटी तो डाली नहीं है ना, उसके बाद में हम एक बार फिर प्रिंट डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं, अगर इनके अंदर कोई कमी रह गई है तो हम फिर वापस जा सकते हैं। अब हमारी कैटेगरी हेल्थ एंड ब्यूटी है, स्टार्ट प्राइस $1 से बिड चालू होगी, उसके बाद में यहाँ हमने रिजर्व प्राइस नहीं डाली, फिर हम और है रिजर्व प्राइस नहीं डालेंगे तो कल को कोई भी अगर फर्स्ट पर्सन ने बिड लगा दी और दूसरा मार्केट में आके दूसरा कस्टमर कोई बिड नहीं लगाता है तो हमें डिस्प्यूट खड़ा होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, बेक जाते हैं। बेक जाने के बाद में हम दोबारा सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कितने का था, $33 का।
उसके बाद में हम सेव करते हैं, उसके बाद कंटिन्यूस आगे चलते हैं। फिर एक बार हम नज़र लगा लेते हैं कि हाँ हमारा जो आइटम नेम है बिल्कुल सही है, फर्स्ट करेक्टर कैपिटल है, ठीक है। प्रोडक्ट 7 डे ऑप्शन पे हम डाल रहे हैं, वन टाइम परचेजिंग है। उसके बाद में पूरी डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी क्या है, एक्सपायरी कितनी है, ब्रांड क्या है, हर चीज़ और है। उसके बाद में शिपिंग हो गया, कहाँ शिप कर रहे हैं, इंडिया में कर रहे हैं, शिपिंग वेट कितना है, लाइट वेट है। उसके बाद में आई एग्री, हाँ जितने रूल एंड रेगुलेशन है वो आपको एम्पावर के फॉलो करने पड़ेंगे। आप इसको टर्म्स एंड कंडीशंस को ओपन करके कम्प्लीटली पढ़ लीजिए जब मार्केट में आप अपना प्रोडक्ट उतारना चाहते हैं। और हर लिस्टिंग करने से पहले हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट हम मार्केट में उतार सकते हैं और उनके क्या टर्म्स और कंडीशंस है। हम वापस चलते हैं, ठीक है हमने ये रीड कर लिए, अब हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और सेल इट नाउ। शिपिंग में आप एक्स्ट्रा कुछ बायर के लिए यहाँ पे ऑप्शन है, कस्टम में अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं सेव करके। अब बात आती है ऐड फीस की। हम जब कोई भी चीज़ है किसी भी वेबसाइट पे है या कहीं भी हम प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो हमें हमेशा एडवर्टाइजमेंट फीस देनी ही होती है। अगर हम एडवर्टाइजमेंट फीस नहीं देंगे तो हमारे प्रोडक्ट मार्केट में किसी के पास नहीं पहुंचेगा और ऐड नहीं चलेगी तो कोई किसी को पता नहीं चलेगा हमने मार्केट में प्रोडक्ट और कोई ख़रीदने के लिए। लेकिन अब हमारा बजट ही यहाँ पे ज़ीरो है तो हम ज़ीरो भरते हैं। जो चाहता है कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकता हूँ और ये मेरा प्रोडक्ट एम्पावर पे हर सिटीजन के पास जाए हाईलाइट हो तो अपना उसी हिसाब से बजट रख सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने बजट मान लो $1 पर डे कर देते हैं और 7 दिन के लिए प्रोडक्ट डाला है तो आपका अगर पेपाल में क्रेडिट और डेबिट कार्ड दिया हुआ है तो आपका $7 चार्जिंग लग जाएगी और वो रिफंड नहीं होगी। लगभग ये बातें होती रहती हैं, तो पहले ही ध्यान रखें हमारे पास फंड नहीं है एक्स्ट्रा, आप ज़ीरो कर दीजिए। जिन के आप पोस्ट शेयर और लाइक करते हैं तो वैसे जितने आपके जो फैन हैं वो आपके पेज पे आएंगे, आपके प्रोडक्ट को देखें। अब मैं देखता हूँ मेरा प्रोडक्ट क्या मेरे पेज पे आ गया है, अगर आपकी ऑटो अप्रूवल है, कभी लिस्टिंग रिजेक्ट नहीं होती तो आपका प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अब ये पेज पे यहाँ पे शो हो रहा है तो आपका जो भी फैन है, जिनको भी आप शेयर और लाइक जिनके करते हैं तो वो भी आपके पेज पर इनपुट होगी तो आउटपुट होगी। तो जिनका भी आप पोस्ट लाइक करते हैं, आपके साथ जिनका ट्रस्ट है, वो पेज पर आएंगे, आपका प्रोडक्ट देखेंगे और जितनी आपकी यहाँ पे हर चीज़ क्लियर होगी उसी प्रभावित होंगे, आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे और वो यहाँ पे बार बार बिड लगाएंगे। जब रिजर्व प्राइस आपको मिलती है और है तो सबसे जो हाईएस्ट बिडर होता है वो विनर होगा और आपको उसको प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। अब मान लेते हैं कि हमने आपका प्रोडक्ट बिक गया, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बिक जाता है आपके एम्पावर अर्निंग के अंदर पेमेंट हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है उसके बाद में, फिर आपको प्रोडक्ट भेजना जरूरी। आप फिर मार्केट प्लेस में जाएंगे, आप चेक करेंगे कि हाँ ये सोल्ड में जाएंगे भी मैंने जो प्रोडक्ट भेजा है। जिसको भी आपने प्रोडक्ट भेजा है भेजना है उसकी आपको यहाँ एड शिपिंग डिटेल्स देखनी पड़ेगी। व्यूज बायर एड्रेस, किस एड्रेस पे हमें, आप उसका एड्रेस होगा सारा वह अपना पैकिंग कीजिए, मोबाइल पिन कोड ये तो हमेशा देना भूले ही मत। हो रहा है जब आप कोरियर करवाएंगे, कोरियर करवाने के बाद में आपके पास वहाँ से रिसीट मिलेगी और उसके ऊपर कंपनी का कोरियर नेम, एड शिपिंग डिटेल डालेंगे आप। अगर आप सरकारी पोस्ट ऑफिस से भेज रहे हैं तो आप यहाँ पे इंडियन पोस्ट करेंगे। इंडिया पोस्ट
उसके बाद में आपको इंडिया पोस्ट, जब आप पोस्ट ऑफिस से कोरियर करवा रहे हैं, वहाँ स्पीड पोस्ट करवा रहे हैं प्रोडक्ट, तो वहाँ पे आप रिसीट के ऊपर ट्रैकिंग नंबर मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट आप ट्रैक करें, और जिस कस्टमर को आप भेज रहे हैं, आप उसको ये भेज रहे हैं, उसी हिसाब से उसको ट्रैकिंग नंबर क्लियर करेगा। और जब ट्रैकिंग नंबर आपने कर दिया, उसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। जब प्रोडक्ट आपका आपके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा, वो आइटम रिसीव करेगा, आइटम रिसीव करेगा, आप भी अपने बायर को देखिए संतुष्ट है तो उसको फाइव कौन सी रेटिंग देना चाहते हैं, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, और अगर कमेंट में कुछ डालना चाहते हैं तो कमेंट में डाल दीजिए। अगर सीनसी है, जीनियस है, कैसा है आपका जो बायर है वो, तो उसी हिसाब से आप अपनी रेटिंग दे सकती हैं। और जब मार्केट में आपके कस्टमर के पास पहुंच जाएगा प्रोडक्ट, तो उसे आइटम रिसीव कर देगा और आपकी जो अर्निंग है आपके एम्पावर अकाउंट में, अर्निंग में आ जाएगी। इस प्रकार आप अपने किसी भी प्रोडक्ट